अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स? टुडे डेट इज़ सैटरडे 4 जुलाई 2020, क्लास 4, सब्जेक्ट आगे, पेज 140, लेसन 23, चैप्टर नेम इज़ अ ब्रेव डॉटर पार्ट 2। स्टूडेंट्स, टुडे आवर लेक्चर इज़ अबाउट ट्रांसलेशन लाइन्स। वी हैव ऑलरेडी डन वर्ड्स मीनिंग एंड वर्ड सेंटेंसेस। ओके, पेज 140। स्टूडेंट्स एक दफ़ा देख लें, इस चैप्टर में हमने आगे पढ़ना क्या है। पहले पार्ट 1 था, उसमें आपने पढ़ा था कि किस तरह सर पैट्रिक गिरजे में छुपा था उसके तहखाने में, और उसकी बेटी ग्रिजल उसकी हेल्प करती थी खाना पहुंचाकर। अब इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है इस पार्ट में कि आखिरकार सर पैट्रिक ने वो जगह छोड़ दी थी और कुछ अरसे के लिए वो अपने घर के फर्श के नीचे छुपा रहा, क्योंकि वो फर्श तख्तों का था। फिर वो लंदन चला गया, उसके बाद वो हॉलैंड में उसने पनाह ली, और कुछ अरसे के बाद उसके बीवी बच्चे भी उसके साथ रहने लगे। लेकिन ग्रिजल अपने घर दोबारा वापस गई सिर्फ अपनी बहन के लिए, जिसका नाम जोलैन था, और जोलैन वहाँ इसलिए रह गई थी क्योंकि वो बीमार थी। बहुत बहुत मुश्किलों के बाद वो लोग घर पहुँचे थे। रास्ते में एक मुसाफिर ने उनकी मदद भी की थी। सारा ख़ानदान जो है वो हॉलैंड के शहर में रहने लगा था। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि वो बहुत गरीब हो गए, क्योंकि उनकी सारी दौलत छीन ली गई थी, और इसलिए उनके पास नौकर भी नहीं थे। लेडी होम की सेहत बहुत ख़राब रहती थी, लेकिन ग्रिजल सारे घर का काम भी करती, खाना पकाती और सबके लिए सिलाई भी करती। कुछ सालों बाद वो बादशाह जिससे सर पैट्रिक भाग रहा था उसे मुल्क से निकाल दिया गया। फिर ग्रिजल का ख़ानदान वापस अपने घर जाने के काबिल हो गया, और उसके बाद उन्हें वो सारी चीज़ें वापस मिल गईं। सर पैट्रिक को नवाब बना दिया गया और वो फिर से अमीर हो गए। जब ग्रिजल बूढ़ी हो गई तब वो कहा करती थी कि वो दिन जब उसके अपने लोग गरीब थे और अजनबी इलाके में थे और उन्हें हिम्मत और सहारे की ज़रूरत थी, वो दिन उसकी ज़िंदगी के सबसे मसरूर उन दिन थे। ठीक है, फर्स्ट लाइन जो ट्रांसलेशन के लिए मैंने ली है वो यहाँ से है। एट लास्ट सर पैट्रिक लेफ्ट हिज हाइडिंग प्लेस। आखिरकार सर पैट्रिक ने छुपने वाली जगह छोड़ दी। आखिरकार सर पैट्रिक ने छुपने वाली जगह छोड़ दी। लाइन नंबर 2, नो वन माइट नो हु ही वॉज। कोई उसे जान ना सका कि वो कौन था। कोई उसे ना जान सका कि वो कौन था या कौन है। नेक्स्ट ही टुक रिफ्यूज इन द कंट्री ऑफ हॉलैंड। इसके बाद उसने हॉलैंड में पनाह ली। रिफ्यूज मीन पनाह ली। इसके बाद उसने हॉलैंड में पनाह ली। लाइन नंबर 4, ग्रिजल वेंट बैक टू देयर ओल्ड होम टू फेच लिटिल सिस्टर जोलैन। ग्रिजल वापस अपने पुराने घर गई अपनी छोटी बहन जोलैन को लेने के लिए। ग्रिजल अपने पुराने घर अपनी छोटी बहन जोलैन को लेने गई। लाइन नंबर 5, द सिस्टर्स लैंडेड सेफली एट अ पोर्ट इन हॉलैंड। दोनों बहनें बहिफाजत हॉलैंड की एक बंदरगाह पर उतरी। पोर्ट मीन बंदरगाह। सेफली बहिफाजत लैंडेड उतरी। दोनों बहनें बहिफाजत हॉलैंड की एक बंदरगाह पर उतरी। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर ट्रांसलेशन लाइन्स।